हाय गाइस, आप सबका स्वागत है वानी बुटीक में। आज हम आपको दिखाएंगे बाजू का डिज़ाइन। तो ये देखिए गाइस, हमने डिज़ाइन के लिए ये दो तैयार करे हैं ये डिज़ाइन। और ये देखिए, ये हमारी बाजू है। अब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने ये चिपका लिया है गाइस गोंद की हेल्प से, ताकि ये इधर उधर ना खिसके। और ये देखिए, हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं चारों तरफ। अब हम इसको इस तरीके से सिलाई देंगे इस पर। इस तरीके से सिलाई देकर तैयार करेंगे इसको। ये देखिए गाइस, ये हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक बाजू। ये देखिए गाइस, ये हमने सीधे उल्टे का निशान लगाया हुआ है इस पर। इस तरफ से ये उल्टा है, इस तरफ से ये सीधा है। ये देखिए, ये बीच में लाइन जा रही है, ये बिल्कुल सीधी है। तो ये देखिए गाइस, हम इसको ऊपर की साइड से 1.5 इंच नीचे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 1.5 इंच नीचे है ये। तरीके से हम इसको पिन की हेल्प से टच करेंगे। अब हम इस पर सिलाई देंगे। देखिए किस तरीके से सिलाई। देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई देंगे। इस तरीके से हम दोनों को तैयार करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने दोनों को तैयार कर लिया है ऐसे बाजू पे लगा के। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए किस तरीके से करेंगे। ये हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे गाइस। बराबर करके हम इस तरीके से इसकी कटिंग देंगे इसमें बाजू में। ये देखिए गाइस, ये हमने कटिंग दे दिया। अब हम इस पर कट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम चारों कोनों पर कट देंगे इसके। इस तरीके से भी हम थोड़ा एक एक कट दे देंगे इसको। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, ये हमने फोल्ड कर दिया इसको। अब हम इस पर सिलाई दे देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इस पर
स्लिट लगाएंगे गाइस इस कलर की। तो चलिए हम कटिंग काट लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमने दो पट्टियाँ कट करी हैं। ये 40 इंच लंबी है, 2.5 इंच चौड़ी है पट्टी। तो देखिए, चलिए हम इस, देखिए गाइस, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम बाजू को सीधा रखेंगे और इस तरीके से इस पट्टी को रखेंगे गाइस। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पर प्लेटें देंगे। ये देखिए, फ्रिल बनाएंगे इस पर इस तरीके से। छोटी छोटी फ्रिलें बनाएंगे गाइस। इसी तरीके से हम दोनों बाजू को रेडी करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने दोनों बाजू में फ्रिल लगा ली है। अब हम इस पर इस तरीके से सिलाई देंगे। देखिए, हम दोनों बाजुओं पे सिलाई देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने एक कपड़ा कट करा है। इसकी लंबाई 5 इंच है, चौड़ाई 6.5 इंच है और ये डबल में है। अब चलिए हम इस पर सिलाई देते हैं। यहीं तक सिलाई देंगे बस। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे पेंसिल की हेल्प से। देखिए गाइस, ये हम तैयार करेंगे। अब हम इन पर इस तरीके से सिलाई देंगे ऊपर से। देखिए गाइस, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए मैंने सुई ली है। सुई की हेल्प से मैं इस तरीके से गाइस, ये देखिए, इसे हम डायरेक्ट मशीन से भी सिल सकते हैं गाइस। ये देखिए, ये देखिए, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसे इस तरीके से इसे हम रेडी हो चुका है। देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। हम इस तरीके से गाइस दोनों को रेडी करेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम इनको दोनों को अटैच करेंगे इसमें। तो गाइस, हम मशीन से नहीं करेंगे, सुई से करेंगे। देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये सीधी लाइन है। हम भी बराबर में रखेंगे और गाइस इस तरीके से हम इसको पीछे से सुई को इसमें सुई से इसे टच कर देंगे गाइस। इस तरीके से हम दोनों करेंगे सुई की हेल्प से। ये देखिए गाइस, ये हमने लगा लिया है। अब हम इसमें ये बटन अटैच करेंगे दोनों में। ये देखिए गाइस, ये हमने बटन बनवाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इनमें अटैच करेंगे और दोनों में अटैच कराएंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने बटन लगा लिए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। चलिए हम आपको इसको
सूट में लगा कर दिखाते हैं रेडी करके। ये देखिए गाइस, ये हमारी सूट में अटैच हो चुकी है। अब ये देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस ये। गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।